गरीबों और रविवार पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अरे 6:30 बज चुका है, कब तैयार होगा? सब तैयार है। मैंने 1000 बार आपको कहा है ना, लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये डीप फ्राइड नहीं खाते। सब लोग खाते हैं, आप चिंता ना करिए, आप जाइए बारह में काम करना। ये देखो जा रहा हूँ मैं, ये सीन क्या देखना है। जी चतुर्वेदी जी, तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है? चतुर्वेदी जी, आपको संडे को रेंट मिल जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें वक्त का कोई ख्याल है? सर अभी, सर संडे को हो जाएगा ना सर। तुम अभी बाहर आना। अच्छा अभी? जी हाँ बाहर आऊँ अभी। कहाँ थे भाई? पता भी है कि 6:30 बज चुका है। हाँ खींचो अब इसे। हाँ हाँ खींचो। होने दो रुमाल ओढ़े शाम को पैगाम, होने दो मन पतंग की डोर को आजाद होने दो। फरहान मियां, इफ्तार का टाइम हो गया, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मुसाफिराना रास्तों के नाम होने दो पैगाम। सच्ची इबादत दूरियां मिटा देती है। इबादत के इस महीने रखें सेहत का साथ। एपिस अच्छी लग रही हो। आइए आइए बेटे, जाओ खेलो। आइए बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए फटाफट शीर खुरमा लेकर आती हूँ। ठीक है गुप्ता जी, ईद मुबारक। ये थोड़ा अलग। अलग कहाँ है? मीठा तो मीठा होता है। गले तो मिलिए गुप्ता जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इस ईद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। साहिल बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? अपने लिए बना रहा था, सोचा आप दोनों के लिए भी बना दूं। थैंक यू, बढ़िया है ना। इस जमाने में कहाँ मिलते हैं इतने नेक दामाद। छोटे छोटे काट रहे हो ना? हाँ हाँ पता है मुझे, तुमसे अच्छे काटता हूँ मैं। तो फिर प्याज भी काट देना। ये लो, हो गया तुम्हारा ड्रेस प्रेस। थैंक्स साहिल, सॉरी आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। देखिए ना कितना ख्याल रखता है अपनी हिना का। हाँ हाँ सब लिया। अरे चले आज ईद है, शाम तक रुक जाते। अरे बेटा वहाँ पर भी बहुत सारे काम हैं, फिर आएंगे ना। बिल्कुल जी अच्छा ठीक है। अरे अम्मी कॉल कर देती, मैं स्टेशन आ जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू, आइए आइए। चलिए आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। कपड़े कैसे मैले हो गए तेरे? वो अम्मी अरफा की मदद कर रहा था किचन में। हमारी मदद तो की नहीं कभी तूने। अम्मी ईद है, दावत पे लोग आएंगे घर, तो मैंने सोचा मैं उसकी मैंने सोचा यही सिखाया हमने तुझे। अम्मी आप यूसुफ तुम एक काम करो बेटा, अपनी अम्मी को ना उनके दामाद के यहाँ ही छोड़ाओ। क्यों? दूसरे का बेटा जब आपकी बेटी की मदद करे तो नेक, और जब आपका बेटा किसी दूसरे की बेटी की मदद करे तो वो जोरू का गुलाम। अच्छा कपड़े बदल ले, मैले हो गए। बेगम ये मैल तो धुल जाएगा, मगर आपके मन का मैल तो धुल गया ना, वो जरूरी था। मैं बहू का हाथ बटाती हूँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रिश्तों को मापने के दो पैमाने नहीं हो सकते। अपनी नजरों से फर्क का पर्दा उतार डालो, इस ईद सारे मैल धो डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश। अरे फेंक के दिखाना बस। घर से निकलो खेलो खेलो यारा रंग, इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग। अब तो मार लो ना। सब खत्म, बाहर आजा, सब खत्म हो गया। मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की है एक ही दास्तां। अपनों के संग रंग लाए संग। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। तो फिर कौन कौन आ रहा है आज? वही अपना गैंग। और उसके अलावा? बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं क्या सोचेंगे। एक छोटा सा वर्ड है, थोड़ी हिम्मत करो और बोल डालो। पक्का? सर तब पैसों की जरूरत थी, इसलिए जॉब चेंज करनी पड़ी। लेकिन सर जो सीखा है सर आपसे ही सीखा है। सॉरी सर। लेकिन सर आज ईद है सर, आप आएंगे ना सर प्लीज? बल्लू देख यार, तूने भी तो मेरी नई बाइक ठोकी थी ना। सॉरी यार थोड़ा ज्यादा चिल्ला गया मैं। वो सब छोड़, देख आज ईद है, आएगा ना? कोई बात नहीं यार, नहीं आ सकता तो ठीक है, पर आज ईद के दिन सॉरी तो ले ले यार। हो गया? अच्छा भाई माना, कहा सुना माफ, आई एम सॉरी। भाभी को भी ले आना, हाँ भूलना नहीं। सुना दुनिया भर में सॉरियां बांट रहे हो तुम। हम भी आ गए, आ जाओ अंदर। जिया, करण। सुनो काम तो नहीं पड़ेगा ना? ओ भाभी यही तो थे हॉस्टल के दिन, लोग ज्यादा और खाना कम। आन दो। हाँ जिया मजा आ गया, ये तो याद रहेगी। नहीं सॉरी जिया, मैला हो गया। ये मैल तो धुल जाएगा, पर तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया ना। और ईद मुबारक। इस ईद सारे मैल धो डालो, एक सॉरी तो है बोल डालो। घड़ी डिटर्जेंट की एक गुजारिश।